आदरणीय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हाउ टू क्लोज अ डील, किसी भी डील को कैसे क्लोज करें। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग की सेल्स कर रहे हो तो अपनी डील को कैसे क्लोज करें। सेकंड, अगर आप कोई सेल कर रहे हो अपने बिजनेस से रिलेटेड, उसकी डील को कैसे क्लोज करें। और कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो उसकी डील को क्लोज कैसे करें, तो इस वीडियो में ये सारी बातें करेंगे। और एक और बात बोलना चाहता हूँ कि मैं आपसे कि अगर आपने अभी तक मुझको इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कीजिए। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो ठीक है, आइडेंटिफाई द डिसीजन मेकर। देखो, जो भी आपका प्रोडक्ट खरीदने वाला है, सर्विस खरीदने वाला है, जो भी आपकी चीज़ खरीदने वाला है, तो उसको आप ध्यान रखो कि कौन डिसीजन मेक करेगा उससे रिलेटेड। जो चीज़ खरीदने वाला है, जो चीज़ बाय करने वाला है, जो चीज़ को परचेज करने वाला है, उसको आइडेंटिफाई करो कि वो कौन बंदा है जो चीज़ खरीदने वाला है। सेकेंड, बी रियल, डोंट ट्राई टू बिकम बिग और बीइंग बिग इज गोइंग टू कैंसिल द डील। जो भी आप डील करने वाले हो ना, अगर आप लंबी दे रहे हो अपनी उस डील में, तो भैया तुम्हारी डील आगे क्लोज हो जाएगी। बोले ये तो उल्लू बना रहा है, चलो भाई। थर्ड वन, क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। देखो भाई, सब जब तक आप अर्जेंसी क्रिएट नहीं करोगे ना, तब तक वो बंदा आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा नहीं। उसके लिए अर्जेंसी क्रिएट करो। लाइक यू आर नॉट एबल टू क्रिएट अर्जेंसी, देन ही इज नॉट गोइंग टू बाय योर प्रोडक्ट। देखो, अगर आप अर्जेंसी क्रिएट नहीं करोगे ना, तो वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। या तो आप उनको डिस्काउंट दीजिए, या फिर उनको कोई साथ में ऑफर दीजिए, या फिर उनको डायरेक्ट पिंच कीजिए आपके प्रोडक्ट के लिए। फोर्थ, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। देखो, ये इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, पर देखो जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं ना, उनके लिए आप तैयार करके रखो कि प्राइस महंगी है, मतलब आपकी प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर करनी है। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्शन हैंडल से रिलेटेड आपको आगे प्रिपेयर करना है। देखो, अगर आप आगे प्रिपेयर कर लो तो आप उसको जवाब दे पाओगे। अगर आप प्रिपेयर नहीं करो ना, तो आपकी डील क्लोज नहीं हो पाएगी। तो प्रिपेयर objectives that you are going to pick. Fifth one, know your competition. देखो, आपका competition किसके साथ है उसको clear कीजिए। देखो, अगर आपको आपके competition को पता रहेगा ना, तो आप उनको सही तरीके से बता सकते हो कि आपका आपके product में, आपकी चीज में क्या चीज़ better है। अगर आपके competition के बारे में आपको पता नहीं रहेगा ना, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो उनके बारे में जानिए कि उनकी सर्विस में क्या डिफरेंट है, आपकी सर्विस में क्या डिफरेंट है, आप क्या अलग चीज़ दे रहे हो उनसे, और आपकी अगर वो प्रोडक्ट बाय करते हैं तो उनको क्या क्या सीखने को मिलेगा, या फिर क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो आपके कॉम्पिटिशन से अलग है, आप क्या कॉम्पिटिशन से हट कर दे रहे हो, तो ये बात भी क्लियर कर दें। ठीक है, वॉच व्हाट दे आर सेइंग। देखो, जो भी अगर वो एक्सक्यूज बना रहे हैं, तो उसको ध्यान से सुनिए। देखो, तभी अगर आप ध्यान से सुनोगे ना, तो उनकी बात का सही तरीके से रिप्लाई दे सकोगे। अगर आप वो उनकी बातों को सुनोगे नहीं ना, तो वो आपको नहीं सुनेंगे। तो उनको सुनिए, इससे क्या होगा कि आप उनकी बातों का क्लियर जवाब दे सकते हो। लिसन केयरफुली। और दोस्तों, मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो किसके लिए वेट कर रहे हो भाई साहब, सब्सक्राइब कर दो, लाल बटन नीचे है, दबा दो, तोड़ दो, फोड़ दो। और दोस्तों, मैं एक और बात बोल रहा हूँ, बेल आइकन को भी दबा दो, जिससे कि आपको अगली वीडियो फ्यूचर में आने वाली है वो दिखे। ठीक है, तो आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।